हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ आलू गोभी मटर गाजर की मसालेदार मिक्स सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं डाली हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप इसे किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हो, पर सरसों के तेल में जो इसका टेस्ट है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। तो अगर आप मेरी तरह सरसों का तेल यूज़ कर रहे हो तो पहले उसे एकदम अच्छे से गर्म कर लेना है, धुआं निकलने तक। तो जब तेल हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा, गैस की फ्लेम को एकदम लो पे कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को हम चटकने देंगे और बिल्कुल थोड़ी सी इसमें हम हींग भी डाल देंगे, तो मैंने 1/4 छोटी चम्मच डाला है। और अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिया है, जिसे एकदम बारीक काट लिया है। 7 से 8 लहसुन की कली को भी एकदम बारीक काट के डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से हम, और हम प्याज को मीडियम फ्लेम पर हल्का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे हमें प्याज के कलर को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लेकिन आगे आप देखोगे कि प्याज जो है हमारी एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो जैसे ही प्याज का कलर हल्का चेंज हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे आलू। तो मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, जिसे मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से हम, और आलूओं को 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही साथ प्याज भी हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो आलूओं को भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाली हूँ गोभी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब ये गोभी के फूल लिए हैं, इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इन्हें भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो आलूओं के साथ ये भी हल्की सी फ्राई हो जाएंगी। तो जब सब्जियों को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे आप तेल में सब्जियां डाल दोगे और उसके ऊपर मसाले डाल दोगे तो उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। आप सब्जियों को पहले हल्का सा ज़रूर भून लीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरे आलू और गोभी हल्के से फ्राई हो गए हैं और प्याज भी देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर। तो मैंने यहाँ पर 2 गाजर लिए, जिसे मैंने हल्के से बड़े टुकड़ों में काटा है, और 1 कप मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे और भून लेंगे। अच्छा, सब्जियों को मैंने यहाँ पर हल्की सी बड़ी पीसेस में काटा है, क्योंकि सूखी सब्जी बना रहे हैं तो सब्जियाँ इसमें हल्की सी दिखेंगी तो अच्छा लगेगा। तो बस सब्जियों को मैंने हल्का सा भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो पे कर देंगे और इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। 1 छोटा चम्मच में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, ये तीखी बहुत कम होती है। 1/2 छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच सब्जी मसाला लिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास ये है तो आप ज़रूर डालना। थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक काटा हुआ अदरक डाला है। 2 से 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ बारीक काट कर। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर मसाले को हम सब्जी के साथ 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि हल्दी का जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। तो बस मैंने इसे लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा भून लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए, जिसे एकदम बारीक काट लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक भी डाल लेंगे और अब इसे एकदम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने टमाटर डाल दिया तो सब्ज़ी अब हमारी जलेगी भी नहीं। तो गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम पे कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम ढक के पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर तब तक जब तक सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक नहीं जाती। तो इसे ऊपर से मैं ढक दूँगी, लेकिन बीच में से 1-2 बार हम चेक ज़रूर करेंगे। और किसी भी टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि सब्ज़ी नीचे से लग रही है, तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। अब इसे मैं फिर से कवर कर दूँगी और अभी मैंने गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे कर दिया है। तो इसे पकाते मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और बीच में ना बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था, मान के चलिए 1/4 कप के करीब। तो सब्ज़ी यहाँ पे हमारी एकदम अच्छे से पक गई है। अभी मैं आपको आलू चेक कराऊंगी, लेकिन उससे पहले इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छा से फ्लेवर आता है। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर डाला है और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें गर्म मसाला डाल रही हूँ, तो 1/2 छोटी चम्मच के करीब डाला है। बस इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे हम और पका लेंगे। तो इसे मैंने 1 मिनट के लिए पका लिया है। अब मैं आपको आलू चेक कराती हूँ। तो आप देख रहे हैं आलू हमारा एकदम अच्छे से पक गया है। तो सब्ज़ी बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है। बस एंड में हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारी बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। बस हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अब हम सर्व कर लेंगे। आप इसे रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।